मैंने एकदम हताश हो गए हैं रिजल्ट, मैंने जो वैकेंसी देख के पूरा, इतना ठंडा में भी गर्मी लग रहा है, यानी क्या बोले क्या केंद्र सरकार के बोले, उससे ज़्यादा तो हमारे बिहार स्टेट में बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, यूपी पुलिस दिया 60,000 वैकेंसी, उनका भी तो कुछ देखना चाहिए, उन्हीं का सरकार है, यूपी में सरकार योगी जी का है, फिर केंद्र में भी उन्हीं का सरकार है, फिर भी स्थिति है ये थोड़ा, मतलब ये तो लग रहा है सर कि जैसे कि मंदिर के प्रसाद मंदिर में रह गया, मंदिर में रह, हाँ वही वाला बात कर दिए कि बाहर का कुछ नहीं मिला, मंदिर के प्रसाद मंदिर में बांट करके ठीक ठाक हो गया। आज सबको पता होगा, जितने भी रेलवे के विद्यार्थी होंगे सबको ये बात पता चल गया होगा कि रेलवे लोको पायलट में वैकेंसी कितनी है। 5 साल के इंतजार के बाद आपको क्या मिला है? लोग कहता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन क्या यही सब्र है, क्या यही फल है? बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है, आप सब जानते होंगे। इसी बात को लेकर हम सब जो आपस में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, क्यूज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, वो सारे एक साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं इस पर अपना अपना बात रखने के लिए कि क्या सच्चाई है रेलवे की, क्या रेलवे को ऐसा करना चाहिए। 5 साल के बाद इसने वैकेंसी दिया तो कितना दिया, लगभग 5,500, ये सारा सर गलत है। साथ ही साथ ये भी उसको सोचना चाहिए था कि जो बच्चे 2018 में फॉर्म भरे थे, अब वो बच्चे अभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका एज निकल चुका है। तो उस बच्चे का, उस व्यक्ति का क्या गलती है, आप खुद विचार करिए, खुद सोचिए। अगर वैकेंसी भी अगर नहीं बढ़ा रही है तो कम से कम एज को तो सुधार उसको देना चाहिए था ना, वैकेंसी के साथ साथ उसको एज में भी सुधार करना चाहिए था। वो सारा सर गलत है कि जो रेलवे की वैकेंसी आई है अभी फिलहाल लोको पायलट की, क्या उससे आप खुश हैं? नहीं सर, हम एकदम खुश नहीं है। ठीक है, मैं अपने भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, खास करके रेल मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप वैकेंसी की संख्या में बढ़ाइए। ठीक है, जो आप 5600 दिए हैं उसको कम से कम 56,000 कीजिए, बिल्कुल, ताकि हम लोग रेलवे का एम्प्लॉय बन सकें। नहीं तो हम लोग किसान आदमी का बेटा है, ठीक है, हम लोग कुछ आस लगा करके आदमी पटना में बैठा है, माता पिता ऐसे ही पैसा नहीं देता है, कुछ आस लगाया रहता है कि हाँ भाई मेरा बेटा जॉब करेगा। आप लोग, आप ही का बच्चा अगर रहता, माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, आप ही का बच्चा रहता तो आपके ऊपर, आपके बच्चा के ऊपर क्या बीतता? बिल्कुल सही बात है कि देखिए, हम सब मध्यम वर्गीय फैमिली के हैं और हम लोग ही रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे लोको पायलट, साथ ही साथ आपके SSC है ना, ये सब बैंक, ये छोटे बड़े जो एग्जामिनेशन होती उस सब को तैयारी करते हैं, और हम लोग के साथ ऐसे अगर नाइंसाफ़ी हो तो सच में ये बहुत गलत है, ये सरासर गलत है, इनका बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ वैकेंसी को बढ़ना चाहिए। यस सर, वैकेंसी एकदम बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम विरोध करते हैं, ठीक है, कि वैकेंसी बढ़े। और आप सबको एक बात याद होगा कि जब 2018 वैकेंसी आया था ना, जब फॉर्म भराया तो उसमें लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसी था। अब हमको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लेकिन जब फॉर्म भरा गया था ना तो हम सब एक आंदोलन किए थे, आप सबको याद होगा, एक बढ़िया आंदोलन था, ट्यूटर के साथ साथ एक फिजिकल प्रोटेक्ट भी था। उसके बावजूद लगभग 35,000 सीट बढ़ाकर उसको 60,000 के आसपास किया गया था। शायद अगर हम लोग अगर आज चुप रहे ना तो हम लोग का जितने भी ये नौकरी लेने का, जो भी कुछ करने का, जो हम लोग का शुरू से मन में रखे थे, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, पीछे दब जाएगा। इसलिए अभी बोलने की ज़रूरत है, चुप रहने की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति ये सोच रहा है ना कि नहीं हम रेलवे की तैयारी नहीं करते, हम नहीं बोलेंगे, तो आपके साथ भी होगा। आप SSC करते हैं ना, आप बैंकिंग करते हैं, आपके साथ भी होगा, क्योंकि शुरू हो चुकी है, ये बहुत सरासर गलत बात है ना। चलिए, इनका बात है, बिल्कुल सही बात, वैकेंसी बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ एज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, एज क्रिटेरिया जो है, ठीक है, एज क्रिटेरिया में कुछ सुधार होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं, कि मेरा एज है तो हम कह दें कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ हम कहना चाहते हैं। और खास करके ये भी कहना चाहते हैं, लड़का लोग अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा हो गया है, ठीक है, तो हम क्यों अथी करेंगे, ठीक ना, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आज आप नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो कल आपका लड़का का भी भविष्य खराब होने वाला है। बिल्कुल सही बात, चाहे कोई भी हो जी, ये बात समझ करके रखना होगा। ये सही है, देखिए ये सब दर्द है और आंखों में आप यहाँ पे होते ना तो आपको दिखता कि सच में हम लोग 5 साल इंतजार करने के बाद, 5 साल इंतजार करके क्या मिला, 5,000 वैकेंसी। अगर सच में अगर अभी नोटिस आया ऑफिशियल वाला, उसमें देखिएगा ना तो पटना में मिनिमम कितना सीट है, 38 सीट है भाई, 38 सीट। अब बच्चे कितने हैं सिर्फ पटना में अगर बात करें तो लगभग 20 लाख तो पटना में ही बच्चा है तैयारी करने वाला रेलवे का।
अब सोचिए वो सारे जोन में कहाँ कहाँ कितना कितना सीट बांटेगा, 5,000 को 21 जोन में अगर बांटेगा तो कितना बांटेगा, है कि नहीं। इसमें अगर देखें तो इसमें देखें कि आप क्या कहना चाहते हैं इस रेलवे के बारे में। हम ये कहना चाहते हैं ये रेल मंत्रालय जो है हम लोग को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है, इसलिए हम रेल मंत्रालय से मांग करते हैं कि सीट को बढ़ाया जाए ताकि हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल 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 सही बात है, ये साथ हम लोग लाइफ के साथ खिलवाड़ है भाई। हम लोग लास्ट एज में हैं और लास्ट एज में होने के बावजूद अगर ऐसे चीज़ हम लोग के सामने आएगा तो बहुत सारा सर गलत है, नाइंसाफी है। देखिए हम लोग किसी भी पार्टी किसी भी संस्था को हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सरकार से चाहे उस मंत्रालय में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनसे हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए मांग कर रहे हैं कि इस वैकेंसी को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाए। जहाँ पे आप 5,960 कर रहे हैं ना, आप उसमें काम कर दीजिए, उसमें 0 बढ़ा दीजिए, लगभग 56,000 कर दीजिए, यही हम लोग को खुशी हो जाएगी। और आपको करना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है भाई। आप इसी कमरे में बैठकर ये विचार कर रहे होंगे कि नहीं लोको पलट कितना हो, लगभग 5,000 होगा, बिल्कुल गलत है। आप आइए पटना, आइए यहाँ के लोगों को देखिए, हम लोग आस नहीं पड़ रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे होंगे जी कि कितना बच्चा है। आप अगर लगता होगा कि हम 5,000 बहुत अमाउंट में दे दिए हैं, ठीक है, तब सभी स्टेट में घूम करके देख लीजिए कि भारत की आबादी कितना है, लड़का जनसंख्या कितना है। ये थोड़ा मतलब ये तो लग रहा है सर कि जैसे कि मंदिर के प्रसाद मंदिर में रह गया, मंदिर में रह, हाँ वही वाला बात कर दिए कि बाहर का कुछ नहीं मिला, मंदिर के प्रसाद मंदिर में बांट करके ठीक ठाक हो गया। मतलब हम लोग को मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग कुछ करें, है ना, ये लोग मजबूर सरकार करिए कि कुछ करें उनके खिलाफ, तब वो लोग सुनेगा, है कि नहीं। एकदम सर, अगर हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं तो आप लोग कहिए देखिए बर्बाद कर रहा है, तो बर्बाद खुद आप लोग करवा रहे हैं, हम लोग करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम लोग तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई कम से कम हम लोग का वो जो 5,600 सीट है उसको 56,000 कर दिया जाए ताकि हम लोग भी रेलवे का एम्प्लॉय बन सके ताकि गाँव गाँव का बच्चा वहाँ तक पहुँच सके। ये सिर्फ यही सिद्धांत है हम लोग का यही सिद्धांत है ना कि हम लोग सिर्फ एक रेलवे का एक कर्मी बन जाए, वो सरकारी वाला जो 2 रुपया अपने लिए और 2 रुपया अपने मम्मी के लिए और बाल बच्चे के लिए जो भविष्य में होने वाले हैं उस सबको हम लोग बढ़िया से रख रखाव कर पाए, बढ़िया से उनको पालन पोषण कर पाए। अगर यही हम लोग से छिन जाएगा तो फिर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला है कि नहीं। राकेश आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं इस तरह के माहौल में, बोलिए दो लाइन। हाँ बोलिए हम बोलना ही चाहते हैं कि सर एक रेलवे जो है हम लोग के सबसे बड़ा रोजगार देता है, बिल्कुल, और रेलवे ही ऐसा मुंह मोड़ लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई जगह नहीं है हम लोग के, मैंने एकदम हताश हो गए हैं रिजे, मैंने जो वैकेंसी देख के पूरा इतना ठंडा में भी गर्मी लग रहा है, यानी क्या बोले क्या केंद्र सरकार के बोले। उससे ज़्यादा तो हमारे बिहार स्टेट में बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, यूपी पुलिस दिया है 60,000 वैकेंसी, उनका भी तो कुछ देखना चाहिए, उन्हीं का सरकार है। यूपी में सरकार योगी जी का है, फिर केंद्र में भी उन्हीं का सरकार है, फिर भी स्थिति है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग के तो अब यही एक उपाय है कि बस जो किए थे पिछला बार, एक दो दिन चार रोज और ऐसा देखते हैं 26 जनवरी तक, उसके बाद कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। देखिए जितने भी वीडियो देख रहे होंगे आप लोग को लग रहा होगा बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग धमकी दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं, हम लोग आपसे एक आवाज़ उठाने के प्रयास कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए नहीं तो फिर से वो इतिहास दोहराया जाएगा, जो इतिहास हो चुका है पुराना उसको फिर से दोहराया जाएगा। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, आप एक वैकेंसी बढ़ा दीजिए, एज में सुधार कर दीजिए, बस यही आपसे डिमांड है और कुछ डिमांड नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह के माहौल में फिलहाल अभी जो चल रेलवे जो हमारे लिए बहुत दिनों से जो हम इंतज़ार कर रहे थे इसका कि बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, और अब पता चला सर के द्वारा कि इतने वैकेंसी आया 5,600, तो इससे बहुत दुख हुआ, जिससे अब लगता है कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ दें, अब आगे इससे मन नहीं करता है कि अब क्या करें। देखिए जैसे कि हम लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों से हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से साथ में बैठ कर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लड़के मैसेज किए फ़ोन किए ना कि सर रात में नींद नहीं आ रही है सिर्फ ये नोटिस देकर, और हम लोग उसको क्या संतावना दे रहे थे, ये दे रहे थे कि रुक जाओ ऑफिशियल नोटिस आएगा ना शायद उसमें वैकेंसी थोड़ा बहुत बढ़ जाए,
फिर भी नहीं हुआ। वैकेंसी आया, वैकेंसी का नोटिस भी आया ऑफिशियल, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसी बात को डिट्टो कॉपी छाप दिया गया जो पहले हम लोग जानते थे, अगले दिन मतलब कल तक जानते थे, वो आज हम लोग पूरा फाइनली जान गए, है ना। ये नाइंसाफी है सारा सारा का देखा जाए तो। आप कुछ कहना चाहते हैं बोलिएगा चंद्र। रेल मंत्री से आग्रह है हमारे सीट को बढ़ाया जाए। रेल मंत्री बोलते हैं कि अस्किल्ड नहीं है, अस्किल्ड नहीं, लड़के जब अस्किल्ड करते हैं उसे कुछ वैकेंसी नहीं मिलती है, क्या फ़ायदा अस्किल्ड का, क्या फ़ायदा अस्किल इंडिया का। रेल सरकार बोलते हैं अस्किल इंडिया बनो, क्या फ़ायदा, जब मुझे पकौड़ा ही बेचना हो फिर अस्किल करने का क्या फ़ायदा, गरीब बच्चे को पढ़ने का क्या फ़ायदा। लिख दे कि रेलवे वैकेंसी नहीं देगी, हम लोग एक अपना रोज़गार करेंगे, पकौड़ा ही तलेंगे, जब हमारी सरकार यही चाहती है तो, ये खुद के बोल दे। और हम देख रहे हैं हर समय प्राइवेटकरण की ओर जा रही है। कुशल युवा रोजगार में 16 दिन की ट्रेनिंग लेती है, उसे 22,000 की पेमेंट पे 60 साल की परमानेंट करते हैं, ये भी हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है। और कहते हैं कि पढ़ लिख के कुछ करना है, क्या कर सकता है जब एम्प्लॉय प्राइवेट ही होगा तो रेल कैसे चलेगी, उस क्या प्राइवेट एम्प्लॉय पे कोई रिक्स रहती है क्या, कहीं नहीं रिक्स है। और हमारे एक महीने पहले कितने दुर्घटना भी हुई है, 10 से 12 ड्राइवर नहीं रहने के कारण, एक एक ड्राइवर 12 घंटा 16 घंटा 24 घंटा, अंत में इलाहा जो कि मोदी जी का घर है वहाँ ही ड्राइवर उतर के रेल से छोड़ दिया कि हमें अब नहीं चला पाएंगे। शर्म लगना चाहिए ऐसी सरकार को वैकेंसी के इतनी कम संख्या को देख के। मतलब देखा जाए साथी ना, मतलब देखा जाए सारे युवा वर्ग, हम लोग तो इतने कम बच्चे हैं तब इस तरह के आप जोश उमंग देख रहे हैं, बौखलाहट देख रहे हैं, है कि नहीं। बहुत सारा हम लोग, आप देखे होंगे वीडियो में, आप देखे होंगे हम लोग पूरे कमरे, ये कमरा और बगल वाला कमरा पूरा भरा रहता है प्रैक्टिस से, लेकिन जब से नोटिस देखा है सब बच्चा आराम से एकदम हतोत्साह हो गया है। मतलब उसको कोई लग रहा है ना कि शरीर में जाने नहीं है, एकदम जाना नहीं है, समझे ना, सब बौखलाहट है, अब पढ़ने का इच्छा ही नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये गुहार है मोदी साहब, गुहार है, आप गुहार समझिए, हम लोग का दर्द समझिए, आप आइए और हम लोग आँखों में देखिए कितनी दर्द है, कितनी बेचैनी है। एक क्या उम्मीद करके आए थे पटना में तैयारी करने और क्या होने जा रहा है, दर्द समझिए मोदी साहब, दर्द समझिए, एक एक बच्चा के आँखों में एक आशा है, विश्वास है आप पे, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं क्या किया जाए। देखिए बहुत रूम भरा रहता था, आज नहीं आया, क्यों नहीं आया, इतने आगे सब लड़कियां बैठी रहती थी, आज लड़की नहीं आई है, समझिए। मतलब ये एक छोटे से कमरे का छोटा, हम लोग 40-50 आदमी हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40-50 आप मत देखिए, आप देखिए यहाँ पर लाखों विद्यार्थी हैं पटना में। आप आइए मुसलापुर हाट में, आप आइए कुर्जी में, आप आइए बोरिंग रोड में, आपको दिखाया जाएगा कि कितने विद्यार्थी इसके आस में बैठे थे कि आप 60,000 के आसपास वैकेंसी देंगे, आप एज में उसका छूट देंगे। एक बच्चा एक फ़ोन किया, बच्चा नहीं बोलेंगे, हम तो सीनियर ही हैं, उनका आज 35 साल उम्र हो गया और वो विचार में थे कि रेलवे इस पर 37 साल कर देगा तो मेरा भी हो जाएगा, वो कहाँ जाएंगे बताइए, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएगा बच्चा, है ना। तो इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है, इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है, हम लोग को मजबूर आप मत करिए कुछ करने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम करें, हम लोग को रोज़गार चाहिए। और आपके हिसाब से रोज़गार क्या है, पकौड़ा तलो, अगर ऐसा ही है तो वैकेंसी ही बंद कर दो भाई, हम लोग पकौड़ा ही तलेंगे, वहीं रोज़गार मान लेंगे। हम लोग को लगता है रोज़गार मतलब सरकारी नौकरी, बिहार में पैदा लिए हैं, यूपी में पैदा लिए हैं तो सरकारी नौकरी लेना है, ये हम लोग का बचपन से ही सिखाया जाता है कि बउआ अगर सरकारी नौकरी तोर ना भइलो तो तोरा कोनो मतलब नहीं, तोर शादी ब्याह भी ना हो, ऐसा सुना जाता है, क्या करें। ऐसे हम लोग परेशान हैं और हम ही नहीं सारे बच्चे परेशान हैं, समझ गए ना, ऐसे सारे जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सबके आंखों में देखिए, आप ध्यान से देखिए, लेकिन क्या आप करें, आपको लगता है भाई 4 को 5 को उससे क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, आप 4-5 मत देखिए, यही है सोच और विचार की। हम इस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हैं, अगर आप खुश हैं
ये कोई विरोधी और कोई पार्टी पटिशन की बात नहीं है। सरकार है तो सरकार को वैकेंसी देनी है। क्या बिहार में सरकार नहीं है? बिहार में रोजगार इतना दिया जा रहा है। क्या यूपी में सरकार नहीं है? यूपी में तो आप ही का सरकार है। क्या यूपी में सरकार में वैकेंसी नहीं आ रही है? क्या एज में उसमें छूट नहीं मिल रही है? एज में उसको बढ़ाया गया है, लेकिन आप ही का सरकार है, सब आप ही का है और आप ही कर रहे हैं। वहीं इसमें उम्मीद था सर, इसमें उम्मीद था कि आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी। ज़्यादा क्या, लगभग 60,000 आएगी, क्योंकि कितना पद, लगभग 3 लाख के आसपास, 2 लाख 3 लाख के आसपास पद खाली है रेलवे में। 3,52,000 बताइए, डेटा तक याद है, शायद आपको नहीं याद होगा। आप याद करिए, विचार करिए, यही चीज़ें हैं, क्या बताया जाए। अब होगा सो होगा, देख लिया जाएगा, बात यहीं तक। अब कितना आदमी बोले, कितने से विचार करे, अगर आपको दिल में लगा हो, हम लोग का दुख दर्द आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इस पर जरूर रिप्लाई दें, जरूर वैकेंसी को रिवाइज करें, जरूर हम लोग एज में आप छूट करें, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, यही तो गुहार है, और क्या मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, चलो आज यहीं तक। और हम सब यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं, और भी व्यक्ति हैं जो आप आज नहीं आए, सारे आपके साथ हैं। अगर आप साथ हो तो हम सब आपके साथ हैं। जो करना होगा आप बोलना हम लोगों को, हम लोग जरूर तैयार हैं। हम लोग कुर्जी एरिया से हैं, कुर्जी एरिया से सारे बच्चे एक साथ हो जाएंगे। जो करना होगा हम लोग को इन्फॉर्म करना, और जो करना होगा साथ में करेंगे, नहीं तो वैकेंसी को रिवाइज करना ही होगा। अब यहीं होगा, आप यहीं चाहते हैं ना, यहीं होगा। वैकेंसी को रिवाइज करना होगा, एज में आपको बदलाव करना होगा, तब जाकर मामला शांत होगा, न तो बौखलाहट बहुत हेवी लेवल तक जाएगा। ठीक है सर, चलिए आप लोग कमेंट करें, बताएं क्या सही क्या गलत। आप भी बताएं कि आपको वैकेंसी से आप कितना खुश हैं, कितना दुखी हैं, ये सब बताएं आप, है ना। क्या ऐसा होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों ऐसा होना चाहिए, आप ये भी बताएं। ठीक है ना, चलिए आप विचार रखिएगा। चलो, जय हिंद, जय भारत।